नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। मैं नाम विशाल और दोस्तों यहाँ फाइनली 2021 की शुरुआत हो चुकी है और हमारे कंप्लीट टेक्नो वर्ल्ड टीम की तरफ से आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2021। तो दोस्तों हमारा ये 2021 साल शुरू हो चुका है आज से और मैं यहाँ पे कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा जो कि स्पेसिफिकली इस साल के बारे में होंगे। 2020 में हमको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली जो काफ़ी मुश्किल भरे वक्त थे, लेकिन 2021 में क्या नई चीज़ें आपको देखने को मिल सकती है टेक्निकल वर्ल्ड में और साथ में टेक्नोलॉजी में क्या इम्प्रूवमेंट्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। स्पेसिफिकली आज हम यहाँ पे पांच चीज़ों बारे में बात करने वाले जो कि 2021 के टेक वर्ल्ड में हमको देखने को मिल सकती हैं और जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेड है हमारे पास में बहुत ज़्यादा टाइम से, तो आज इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली चीज़ है वो है CES इवेंट 2021 जो कि जनवरी में होने वाला है और सबसे स्पेसिफिक चीज़ इस इवेंट के बारे में ये है कि इस इवेंट में आपको देखने को मिल सकता है RTX 3000 सीरीज़ के मोबाइल GPUs जो कि आपको गेमिंग लैपटॉप्स में देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों इसी इवेंट में ये भी एक्सपेक्टेड है कि Acer, Asus और Lenovo अपने लैपटॉप्स लॉन्च करेंगे जो कि 3000 सीरीज़ मोबाइल GPUs के साथ में आएगा। तो दोस्तों काफ़ी बेटर आपको काफ़ी फास्ट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है गेमिंग के लिए, अगर आप स्पेसिफिकली गेमिंग के लिए वेट कर रहे हैं 3000 सीरीज़ GPUs के लिए। तो फाइनली इस इवेंट में हमको वो लैपटॉप्स देखने को मिल सकते हैं जहाँ पे हमको 3000 सीरीज के RTX सीरीज के GPUs देखने को मिल सकते हैं और ऐसा भी एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे जो RTX 3080 लॉन्च होगा वो 10GB तक के GPU के साथ में आ सकता है। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इवेंट होगा हम सभी लोगों के लिए जो कि गेमिंग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे एक मेजर एडवांसमेंट्स की तरफ MacBook के जो प्रो मॉडल्स हैं 16 इंच के वो भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको 2021 MacBook Pro के जो 16 इंच मॉडल वहाँ पे हमको M1X प्रोसेसर देखने को मिल सकता है जो कि 12 कोर का प्रोसेसर होगा जिसमें 8 परफॉर्मेंस कोर्स होंगे और 4 एफिशिएंसी कोर्स होंगे। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये कम्प्लीटली न्यू जो वेरिएंट आने वाला है MacBook Pro 16 का लाइनअप होने वाला है। और साथ ही में कुछ ऐसे भी एक्सपेक्टेशन हमारे पास में हैं कि MacBook Pro 14 इंच के मॉडल्स में भी रिलीज हो सकता है 2021 में। और साथ ही में यहाँ पे कम्प्लीटली न्यू डिज़ाइन फॉर्म फैक्टर के साथ में MacBook Pros 2021 में लॉन्च हो सकते हैं जहाँ पे आपको मिनी LED डिस्प्ले देखने को मिल सकता है, राउंडेड कॉर्नर्स देखने को मिल सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा बेटर एंड एडवांस्ड यहाँ पे बैटरी परफॉर्मेंस भी आपको देखने को मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों अभी तक जो हमारे पास है MacBook Pro 16 मॉडल्स जो अवेलेबल है करेंटली वो 10 आवर्स तक बैटरी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हमको जैसे पता है कि M1 प्रोसेसर जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट है, तो ऐसा एक्सपेक्टेड यहाँ पे कि अभी जो मॉडल्स रिलीज होंगे 2021 में उनका जो बैटरी परफॉर्मेंस होगा वो ऑलमोस्ट अप टू 20 आवर्स तक का हो सकता है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर सकता है ऑन अ सिंगल चार्ज। तो दोस्तों यहाँ पे हमको WWDC 2021 के लिए वेट करना पड़ सकता है जहाँ पे दोनों ही मॉडल्स लॉन्च हो सकते हैं। उसी के साथ में हमारे पास में कुछ और भी चीज़ें हैं जैसे कि यहाँ पे सबसे एसेंशियल चीज़ जिसके लिए हम वेट करें 2021 वो है 5G मॉडल्स के मोबाइल फ़ोन्स। तो दोस्तों यहाँ पे 2021 में काफ़ी सारे वेरिएंट्स मोबाइल फ़ोन्स के लॉन्च हो सकते हैं ऐसा एक्सपेक्टेशन है हमारे पास में, जैसे कि वीवो, शाओमी, ओप्पो या फिर बाकी और जो वो अदर कंपनीज है वो भी यहाँ पे 5G मॉडल्स के मोबाइल फ़ोन्स को लॉन्च कर सकते हैं, वन प्लस लॉन्च हो सकता है। तो ये सारे जो मोबाइल फ़ोन्स हैं 5G मॉडल्स साथ में लॉन्च हो सकते हैं 2021 में। और फाइनली एक चीज़ के बारे में जो मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा जो सबसे मोस्ट अवेटिंग है मेरी तरफ से वो ये है कि 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में इंटेल प्रोसेसर के साथ में RTX 2060 या फिर RTX के 3000 सीरीज के साथ में गेमिंग लैपटॉप्स लॉन्च हो सकते हैं 2021 में। दोस्तों बहुत ज़्यादा टाइम से आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे एक बार बार क्वेश्चन के पूछ रहे हैं कि 11th जनरेशन के प्रोसेसर के साथ में RTX मॉडल में या फिर GTX मॉडल में लैपटॉप्स कब लॉन्च होंगे गेमिंग के लिए। तो दोस्तों 2021 में अप टिल अप्रैल हमको यहाँ पे लैपटॉप्स देखने को मिल सकते हैं जो कि 11th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में पावर्ड अप होंगे विथ RTX या फिर GTX ग्राफिक्स कार्ड। तो दोस्तों यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं 2021 में टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, क्योंकि हमको काफ़ी सारी नई चीज़ें यहाँ पे देखने को मिले जिसमें सबसे स्पेसिफिक जो चीज़ है वो यहाँ पे M1X प्रोसेसर होगा। उसके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट किया जा रहा है ईगरली, क्योंकि यहाँ पे ये जो M1X प्रोसेसर है 2021 में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करने वाला है और होल इन ऑल एक न्यू यहाँ पे एवोल्यूशन है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। तो इसके लिए वेट करना सबसे ज़्यादा एसेंशियल यहाँ पे लगता है 2021 में। साथ ही में 5G मोबाइल फ़ोन्स भी आने वाले हैं जहाँ पे आपको बेटर परफॉर्मेंस और बेटर डाउनलोड स्पीड्स देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी टेक्नोलॉजीज़ है जो यहाँ पे 2021 में हमको देखने को मिल सकती हैं। साथ में इसके अलावा भी हमको काफ़ी सारी और नई चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये सारी जो पाँच चीज़ें हैं
ये जो पांच चीज़ें बहुत ही एसेंशियल है, बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्साइटिंग है हमारे लिए। तो दोस्तों इसके लिए हमको वेट करना पड़ सकता है 2021 में, और शुरुआत बहुत ही जल्द होने वाला है CES 2021 इवेंट से, जहाँ पे आपको राइजन प्रोसेसर्स और इंटेल प्रोसेसर्स के साथ में आपको 3000 सीरीज़ का लाइनअप देखने को मिल जाएगा ग्राफिक्स कार्ड का, जो कि बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, और आज के लिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने 2021 में क्या नया रेजोल्यूशन लिया, या क्या नई चीज़ को आप परचेज करना चाहते हैं 2021 में, उसको कमेंट करके हमको ज़रूर बताएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और दोस्तों मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।